Assalamu alaikum students. Today we will start the revision session number 2 from the chapter number 12, air. In previous session we learned about the air is a has a mass and occupies space. Air is all around us. Okay, we also learn about the atmospheric pressure. Air has a pressure. ठीक है ना, ये बात हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद वी ऑल्सो लर्न दैट अबाउट द एटमोसफियर. द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ गैसेज दैट इज नोन एज द एटमोसफियर. एटमोसफियर इज वेरी नेसेसरी फॉर अर्थ बिकॉज इट कंटेन इम्पॉर्टेंट गैसेज, कंट्रोल द वेदर, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, एंड इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कैरीज साउंड. We also learn about the layer in the atmosphere. There are 5 layer in the atmosphere. Yes, tell me. Number 1 is troposphere. Second one is a stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. We also learn about the ozone layer. Ozone layer is a layer which protect us from the harmful layer of yes harmful rays of sun. जी, आपको आंसर आना चाहिए. ठीक है, देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर. जी, टेल मी, नेम द गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एयर. यस, नंबर 1 नाइट्रोजन दैट इज अबाउट 78%, ऑक्सीजन अबाउट 20%, कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 0.03% एंड अदर रेयर गैसेस. ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस वी यूज इन आवर रेस्पायरेशन. ठीक है ना, हम सांस लेने में, ब्रीदिंग में इस्तेमाल करते हैं. ऑल्सो हेल्प इन बर्निंग, कोई चीज़ अगर बर्न हो रही है तो उस वक्त भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गैस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है फूड मैन्युफैक्चर करते हैं बाई टेकिंग नाइट्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्रेट. ठीक है, अमोनिया की शक्ल में ये नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करते हैं. देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट न्यू सेशन, सेशन नंबर 2, दैट एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैव वाटर वेपर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर वेपर्स? पानी के छोटे छोटे कतरे इस वक्त एयर में मौजूद है, दैट इज नोन एज द वाटर वेपर्स. ठीक है ना, कराची के बारे में बात करते हैं. कराची में हम कहते हैं ना, आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, आज ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ड्राई मौसम है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर. हवा में जो वाटर वेपर मौजूद है इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. ठीक है ना, सही. अच्छा, यही वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो आपके पानी की बॉटल के ऊपर पानी के छोटे छोटे कतरे आ जाते हैं, है ना. ठीक है, तो एयर में हर वक्त वाटर वेपर मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं. जब ये कंडेंस होते हैं तो फिर ये आपको नज़र आते हैं. वाटर वेपर्स अगर ज़्यादा हो एयर में तो आप कहते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और अगर कम हो तो हम कहते हैं आज बहुत ड्राई मौसम. नाउ डिस्कस द टू टर्म. देयर आर द टू टर्म. नंबर 1 टर्म इज अ मूविंग एयर एंड सेकेंड टर्म इज अ स्क्वीज्ड एयर. ठीक है, आप देखिए, आपके पास यहाँ जाइए पेज 110 पे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मूविंग एयर. ठीक है, एंड सेकेंड टर्म इज अ कंप्रेस एयर. मूविंग एयर एंड कंप्रेस एयर. ठीक है, ये डायग्राम है आपके पास, तस्वीर बनी हुई बहुत खूबसूरत सी है ना. सी साइड है, यहाँ पे बच्चे प्ले कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको नज़र आ रहा है. फुटबॉल भी है, काइट है, सेलिंग बोर्ड है. अब क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे टू टर्म्स में आपको डिस्कस कर रही हूँ, मूविंग एयर एंड कंप्रेस एयर. मूविंग एयर का मतलब होता है वो एयर जो चल रही हो. ठीक है, जो विंड है, हवा है हमारी, और इसी हवा की वजह से आपकी काइट जो है आप उसको उड़ाते हैं, है ना. आपके प्लांट्स के जो लीव्स हैं इस वक्त हिल रहे हैं. ठीक है, आपको अपने बॉडी में एयर महसूस होता है. ठीक है ना, तो मूविंग एयर है. सेलिंग बोट की एग्जांपल ले लीजिए. सेलिंग बोट, यस, ये किसकी मदद से चलते हैं? मूविंग एयर की वजह से. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंप्रेस्ड एयर?
कंप्रेस एयर का मतलब होता है जब इसी एयर को आप बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर दें। स्क्वीज़ का मतलब है प्रेस करके, दबा के किसी छोटी सी जगह में भर दें। अब आप यहाँ पे फुटबॉल देखिए जी, इस फुटबॉल के अंदर मूविंग एयर तो नहीं है ना, आपने एयर को कंप्रेस करने की जगह बाद एक जगह इसको फिल कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मूविंग एयर उसको कहेंगे जो चल रही हो, अब कंप्रेस एयर मीन जिसको आप कंप्रेस करके किसी जगह पे बंद कर दें। फॉर एग्जांपल आपके फुटबॉल में है, गाड़ी के कार्स के ट्यूब में है ना, व्हील के अंदर कंप्रेस एयर होती है। इसके अलावा एक और टर्म आ जाता है CNG। आप कहते हैं ना हमारी गाड़ी में CNG लगा हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CNG? कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CNG? कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी आपने नेचुरल गैस को जो आप चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में जो बर्नर में इस्तेमाल होता है, उसको जब कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, कंप्रेस कर देना यानी दबा के स्क्वीज़ करके एक छोटी भी जगह पे ले आना। तो ये आपके पास जो डायग्राम है इसमें आपको फुटबॉल नज़र आ रहा है, इट यूज़ कंप्रेस एयर। बाकी जगह आपको सेलिंग बोर्ड है या काइट है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये आप मूविंग एयर को यूज़ कर रहे हैं। सो पेज नंबर 111, यहाँ पे आप आ जाइए यूजेस ऑफ एयर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एयर? अगर आप सिंपल ब्लोइंग मूविंग एयर को यूज़ करते हैं तो आपको सबसे पहले ग्लाइडर की तस्वीर नज़र आ रही है, ठीक है। ग्लाइडर जो है दे यूज़ मूविंग एयर, ठीक है, दे यूज़ द एनर्जी ऑफ मूविंग, एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, दे यूज़ एनर्जी ऑफ मूविंग एयर। नंबर टू डायग्राम इज़ अ सेलिंग बोट, ये भी एनर्जी ऑफ या पावर ऑफ मूविंग एयर इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है आपके पास विंड मिल, ठीक है, विंड मिल, ये भी मूविंग एयर को यूज़ करते हैं। फोर्थ डायग्राम इज़ हॉट गैस बलून, हॉट एयर बलून, इसके अंदर आप हॉट एयर को यूज़ करते हैं और ये मूविंग एयर की वजह से एक पोजीशन से दूसरी जगह पे मूव करता है। तो ये चारों एग्जाम्पल जो आपके पास इस वक्त पेज नंबर 111 में डायग्राम शो है, दिस डायग्राम शो दैट दे यूज़ मूविंग एयर, दे यूज़ मूविंग एयर, ठीक है ना। ग्लाइडर हो, सेलिंग बोर्ड हो, विंड मिल है या हॉट एयर बलून है, दे यूज़ मूविंग एयर, और इस मूविंग एयर की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। नाउ टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 112 जी, ये डायग्राम आप देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या शो हो रहा है? फुटबॉल है, टॉय है, ठीक है, टायर है। एयर इज यूज टू इन्फ्लेट रबर ट्यूब्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, दिस इज पॉसिबल बिकॉज एयर कैन बी स्क्वीज्ड, स्क्वीज का मतलब होता है दबा के प्रेशर के जरिए, ठीक है, किसी जगह बंद कर दिया जाए, into a small space, we say it can be compressed, हमने हवा को कंप्रेस करने के बाद यूज़ किया, दबा दिया है प्रेशर के ज़रिए। और यहाँ पर फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूँगी CNG सिलेंडर की, ठीक है, आपके गाड़ियों में जो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, इन सिलेंडर्स के अंदर कौन सी गैस मौजूद होती है? आप कहते हैं CNG हम इस्तेमाल कर रहे हैं, CNG मीन कंप्रेस नेचुरल गैस। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? दिस इज़ अ ड्रॉपर, ड्रॉपर के अंदर हम एयर प्रेशर को यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया था ना कि एयर हैज़ अ प्रेशर, ठीक है, आप जब ड्रॉपर को प्रेस करते हैं तो एयर जो है पुश करता है, जो भी लिक्विड आपने लिया हुआ है वो नीचे गिर जाता है, या आप उसको प्रेस करके जब स्क्वीज़ करते हैं, इसको खींचते हैं, तो जो भी चीज़ है वो आपके ड्रॉपर के अंदर एंटर हो जाती है। सो एयर प्रेशर इज़ यूज टू ड्रॉ अप लिक्विड इन टू अ ड्रॉपर ट्यूब, वैन यू प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर द एयर इन इट इज स्क्वीज आउट, देयर इज़ अ फॉल इन द एयर प्रेशर इन साइड द ट्यूब एंड द लिक्विड इज फोर्स इन बाय द एयर आउटसाइड। यानी एयर के जो यूजेज हैं उसमें आपने कंप्रेस एयर देखा और यहाँ पर आप एयर प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एयर प्रेशर की वजह से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल है, आपके पास ये ड्रॉपर की एग्जांपल है, ठीक है। नाउ मूव एग्जांपल नंबर 7, यहाँ पे जो है एयर के यूज़ में इन्होंने शो किया है, ऑक्सीजन इज़ यूज टू हेल्प
थिंग टू बर्न। अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू बर्न एनीथिंग। अगर कोई भी चीज़ आप बर्न करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस होना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, आप दोबारा आ जाइए, जल्दी से मैं क्विक रिव्यू देती हूँ। आज हमने पढ़ा था वाटर वेपर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर मीन दिस इज़ अ वाटर विच हैज़ एवेपरेटेड एंड टर्न इनटू अ गैस, ठीक है। और ये गैस जो है आपकी एयर में मौजूद है। जब हम कहते हैं ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इट्स मीन कि एयर में वाटर वेपर ज़्यादा। ड्राई मौसम में, ड्राई सीजन है तो वाटर वेपर्स नहीं। देन मैं अपने आपको ये तस्वीर शो की थी, पिक्चर शो किया था, और यहाँ पे मैंने आपको टू टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं, मूविंग एयर एंड कंप्रेस एयर। मूविंग एयर जो चल रही हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हो, इसकी एग्जांपल मैंने आपको सेलिंग बोट की दी है, आप काइट उड़ाते हैं। नंबर टू कंप्रेस एयर, जिसमें एयर को प्रेशर के ज़रिए आप किसी चीज़ के अंदर फिल कर दें, जैसे फुटबॉल है, ठीक है, या आपके कार के ट्यूब्स होते हैं। नेक्स्ट आपको यूजेस ऑफ एयर में, नंबर वन ग्लाइडर की तो मैंने डायग्राम शो की थी, उसके बाद आपके पास सेलिंग बोट है, ठीक है, विंडमिल है, हॉट एयर बलून है, दे यूज़ मूविंग एयर, इनके अंदर हमने मूविंग एयर को यूज़ किया। अब आ जाइए पेज 111 में, डिड यू नो, जी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन का आंसर भी है ये आपके पास। अगर मैं आपसे कहूँ कि एयर को कूल करें, ठंडा करें, ठंडा करें, कंप्रेस करें, कंप्रेस करें, कंप्रेस करें, इतना ठंडा करें कि वो लिक्विड बन जाए, इट इज़ पॉसिबल? यस इट इज़ पॉसिबल। एयर कैन बी चेंज इनटू अ पेल ब्लू लिक्विड बाय कंप्रेसिंग इट एंड कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर एट अबाउट -200 डिग्री। अगर आप -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक एयर को कूल करें, इसको कंप्रेस करते जाएं, तो ये टर्न हो जाएगा लिक्विड में, और उस लिक्विड का कलर जो है वो लाइट ब्लू, ठीक है। देन पेज नंबर 112 पे मैंने आपको कंप्रेस एयर की एग्जांपल बताई कि वी यूज़ कंप्रेस एयर इन फुटबॉल, टायर एंड CNG गैसेस। देन वी यूज़ प्रेशर, एयर प्रेशर इनटू अ ड्रॉपर। एयर प्रेशर की एक और आपके पास बहुत अच्छी एग्जांपल है, घर में यूज़ करते हैं आप, जी अम्मी यूज़ करती है ना कुकर, कुकर के अंदर प्रेशर में एयर होता है, इसलिए आपका फूड जो है बहुत जल्दी कुक हो जाता है, ठीक है ना। 7 नंबर पे हमने क्या बात नोट की थी कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू बर्न, इट हेल्प इन बर्निंग, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बर्न करने में हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट, अब हम करेंगे, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन, वी विल डू टू क्वेश्चन इन योर कॉपी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 आएगा, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखिएगा एंड डू इट इन योर कॉपी। व्हाट आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ कंप्रेस ईयर? कंप्रेस ईयर को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? Answer, uses of compress air, it is used in rubber tube, it is used in toy and packing products, it is used to inflate the tire of bicycle, car and aircraft, it is used to inflate balls, it is used to fill oxygen cylinder. और मैंने आपको CNG का ही बताया, आप CNG भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी कॉपी में भी काम किया हुआ है, आप वहाँ से देख के बहुत नीट एंड क्लीन क्वेश्चन करेंगे। बॉयज़ स्पेशली, बॉयज़ में आपको कहनी है डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। आप बाद में ही कहते हैं कि हमने डायग्राम नहीं बनाई थी, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। आप किस चीज़ की बना सकते हैं? बहुत ईजली है, रबर ट्यूब की बना दीजिए, बॉल की बना दीजिए, टायर की बना सकते हैं, एक सिलेंडर बना दीजिए, उसके ऊपर CNG लिख दीजिए। ओके क्वेश्चन नंबर 4 आपकी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, व्हाट हैपन टू एयर इफ इट इज कंप्रेस एंड कूल टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप किसी एयर को कूल करें -200 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी हमने डिस्कस किया था, एयर दैट इज कंप्रेस एंड कूल टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड टर्न इंटू अ ब्लू लिक्विड, ये ब्लू लिक्विड में टर्न हो जाएगा, ठीक है। बोथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपके पास बनेगा, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी पे कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ लर्न ऑल क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट, इसको अच्छी तरह याद कीजिए, लर्न ऑल स्पेलिंग, ड्रॉ डायग्राम्स।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।